नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुद्दा लाइव का विषय है आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का वो बयान जिसको लेकर पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले आरएसएस की भूमिका और आरएसएस की तुलना सेना से की थी, जिसको लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। इस प्रोग्राम की शुरुआत में पहले हम दिखाते हैं कि मोहन भागवत ने आखिर क्या कहा था जिसको लेकर विवाद मच गया पूरे देश में। आरएसएस ने अपने यूट्यूब के चैनल पर मोहन भागवत के उस बयान को अपलोड किया है। आइए देखते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा था। छोटी बात इसमें, हमारा मिलिट्री संगठन नहीं है, मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा। संघ के स्वयंसेवकों को लेंगे 3 दिन में तैयार, ये हमारी क्षमता है। लेकिन हम मिलिट्री संगठन नहीं है, पैरामिलिट्री भी नहीं है, हम तो पारिवारिक संगठन है। अक्सर देश में यह चर्चा होती है कि आरएसएस की क्या भूमिका रही है इस देश में। जहां तक सामाजिक कार्यों की बात है, जहां तक देश सेवा की बात है, देश सुरक्षा की बात है, एक बहुत बड़ी बहस चल पड़ी है। मैं आरएसएस के सामाजिक कार्यों के बारे में जब सर्च कर रहा था गूगल पे, तो मुझे एक काफ़ी एक डिटेल्ड राइटअप, एक आर्टिकल हमें बीबीसी पे प्रकाशित हुई मिली, जिसमें 8-10 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। मैं सारे पॉइंट्स का जिक्र यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन कुछ खास खास मुद्दे इसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 1947 में आज़ादी के बाद आरएसएस की क्या भूमिका रही थी, इसकी चर्चा इसमें आ रही है अच्छी तरह से। 1947 में कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की जब गतिविधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो भारत की सेना भी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थी। नेहरू और माउंटबेटन की जो सरकार थी उस वक्त काम कर रही थी, विभाजन के तमाम चीज़ों में जो टेक्निकलिटीज़ थी उसमें उलझी हुई थी। इसमें सैनिकों के साथ जिक्र है कि आरएसएस ने इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी और इसमें जो आरएसएस के वर्कर थे उन्होंने अपने प्राण भी गंवाए थे। विभाजन के बाद जब पूरे देश में दंगे भड़के, तो उसके बाद भी शरणार्थियों के मदद के लिए जो राहत शिविर लगाए गए थे आरएसएस की तरफ से लगाए गए थे, ये बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। अब हम 1962 की लड़ाई पे आते हैं, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत उस वक्त बताऊं कि नेहरू की जो पंचशील थियोरी थी उसके बेसिस पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से युद्ध में सक्षम नहीं पा रहा था, बहुत अच्छी तरह से युद्ध की तैयारी भारत की नहीं थी। उसके बावजूद भी आरएसएस के जो लोग थे, इसमें जिक्र है कि इन्होंने रसद की आपूर्ति में प्रशासन की मदद की थी और सैनिकों की आवाजाही के लिए जो रास्ते थे उसको बनाने में आरएसएस की इसमें भूमिका रही थी। इसके बाद इस बात का जिक्र है कि 1963 में 26 जनवरी की जो परेड हुई थी, उसमें संघ के कार्यकर्ताओं को शामिल करने का निमंत्रण खुद देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया था। इसके बाद खुद नेहरू जी के ऊपर काफ़ी जुबानी हमले हुए, राजनीतिक तौर पे जो विरोधी थे नेहरू के, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर संघ जो संघ के स्वयंसेवक हैं उनको 26 जनवरी के परेड में शामिल करने के लिए नेहरू जी ने निमंत्रण क्यों दिया। उन्होंने जो लिखा था उसको मैं हूबहू पढ़ के सुनाता हूँ। ये दर्शाने के लिए केवल लाठी के बल पर सफलतापूर्वक बम और चीनी सशस्त्र बलों से लड़ा जा सकता है, विशेष रूप से 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आरएसएस को आकस्मिक तौर पर आमंत्रित किया गया था। तो ये 1962 की बात रही। इसके बाद मैं आता हूँ कश्मीर का जब विलय हुआ था, तो उसमें कुछ भी साफ नहीं था कि सेना की कितनी ज़्यादा भूमिका है, सेना कितनी ज़्यादा तैनात है मामले से निपटने के लिए। इसमें चर्चा है कि जो कबायली थे कश्मीर में, जो पाकिस्तानी कबायली घुसपैठ कर रहे थे, उसके बाद स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई थी। सेना को सपोर्ट करने के लिए इसमें जिक्र है कि सरदार पटेल ने गोलवलकर उनसे मदद मांगी थी, इसका जिक्र इसमें आ रहा है। ये कश्मीर के विलय का विषय है। उसके बाद मैं आता हूँ कुछ और मुद्दों पे। 1965 की जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसकी चर्चा थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने भी उस वक्त आरएसएस को रिक्वेस्ट भेजा था। शास्त्री जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था थी
उसको संभालने के लिए आरएसएस की मदद ली गई थी, इस बात का जिक्र इसमें है। और चूंकि दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो आर्मी को हेल्प कर रहे थे, घायल जवानों के लिए जो रक्तदान का कैंप लगाया गया था वो संघ के स्वयं सेवकों ने वहाँ लगाया था। और ये भी जिक्र है कि कश्मीर की हवाई पट्टी पर जो बर्फ जमी हुई थी उसको हटाने के लिए भी आरएसएस के स्वयं सेवकों ने योगदान किया था। आगे बढ़ते हैं, गोवा का जो भारत में विलय हुआ था तो उस वक्त भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी 1954 और 1955 में। आपातकाल की बात कर लें 1975 से 1977 के बीच में, तो कांग्रेस के खिलाफ जो चाहे वो जनता पार्टी हो या संघ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अंडरग्राउंड होकर सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। भूमिगत रहकर उन्होंने आंदोलन चलाया था, चाहे वो सड़कों पर पोस्टर चिपकाना हो, जनता को सूचनाएं देना हो। और जेल में जो तमाम पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता बंद थे उनके बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि संवाद सूत्र का काम किया था आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने। इसके बाद जमींदारी प्रथा जब भारत में ख़त्म हुई, सबको याद होगा, उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी। संघ के बहुत सारे लोग थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके जिनके पास भी ज़्यादा ज़मीन थी वो गरीबों में बांट रहे थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको लोग प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप अपनी ज़मीनें गरीबों में बांटो। तो एक तरह से सामाजिक भूमिका और आरएसएस का जो योगदान रहा है उसकी मैंने चर्चा की। हालांकि आरएसएस को लेकर विवाद भी काफ़ी होता रहा है, जिस तरह से चर्चा इस बात की रही है कि पटेल जब गृहमंत्री थे तो उस वक्त आरएसएस के ऊपर उन्होंने बैन लगाने की अनुशंसा भी की थी, हालांकि जो बैन था वो हटा दिया गया था। तो इन मुद्दों पर लगातार बात होती रहेगी। 2019 के रनअप में आरएसएस की क्या भूमिका रही है, तमाम मुद्दों पर उसके अलग अलग जो पक्ष हैं उसके ऊपर चर्चा होती रहेगी, राजनीतिक हमले होते रहेंगे। तो मैंने एक कोशिश की इस ब्रॉडकास्ट के जरिए कि हम जो खास खास मुद्दे हैं 1947 से लेके अभी तक 2018 तक अलग अलग फेजेज में क्या आरएसएस की सामाजिक तौर पे क्या भूमिका रही थी उसको मैंने सामने लाने की कोशिश की। इसमें हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आरएसएस के जो काम रहे हैं जो वर्क रहे हैं उसका गुणगान किया जाए। कुछ फैक्ट्स हमारे सामने स्टडी करने के बाद जो मिला मुझे उसको मैंने आपके सामने लाने की भरसक कोशिश की। हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी पार्टी को या किसी संगठन को हम सपोर्ट करें या उसका गुणगान करें। आप अपनी राय और अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।